तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक तो सीआरटी टीवी का किट आया है, जो कि सीआरटी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, पावर सप्लाई से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग इसको अभी सीरीज बोर्ड में डालते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो एलईडी है वो जल रहा है, देख सकते हैं एलईडी जल रहा है, पर इसको स्टैंड बाई से हटाते हैं तो हट नहीं रहा है। ये देखिए, है ना, किसी भी चीज़ को दबाइए आप, स्टैंड बाई हट नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले यदि एलईडी आपका जल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, क्योंकि मीटर से आप लोगों को चेक करना है वोल्टेज, वो सही, सभी वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं। तो एक ठोको हम लोग ग्राउंड में डालते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ठोको ग्राउंड में डालते हैं और दूसरे वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने को वोल्टेज चेक करना है 110 का, 110 वोल्ट का, है ना, 110 वोल्ट का वोल्टेज चेक करना है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से डायोड लेके फर्स्ट वोल्ट आता है। ये देखिए, ये वोल्ट नहीं बता रहा है दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ यहाँ से डायोड लगा हुआ है ना, यहाँ और यहाँ से कॉइल के जरिए यहाँ, या तो जंपर मारा होगा, और यहाँ से यहाँ मीटर में देखिए कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकंड वोल्ट हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से 26 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो सेकंड वोल्ट अपना, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड दूसरा वाला वोल्ट जो कि बता रहा है मीटर में, और ये वाला वोल्ट ये है, ठीक है। और तीसरा वाला वोल्ट दोस्तों देखते हैं, तीसरा वाला वोल्ट ये है, तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, वोल्ट कम बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे लगभग आपका 5-6 वोल्ट है ना, जो कि ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया वोल्टेज, ये देखिए, ये वाला वोल्टेज ठीक है, 12 वोल्ट पर ये जंप कर रहा है ना। तो अपने को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ का जो वोल्टेज है 110 का वोल्टेज, इसको कंप्लीट करना है ना। तो 110 का वोल्टेज दोस्तों नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो हो सकता है ये डायोड ख़राब हो, या तो फिर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो। तो अब मेन वायर को निकालते हैं दोस्तों, ये निकाल दिए, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे दोस्तों की वोल्टेज, कैपेसिटर मेन कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेन कैपेसिटर यदि आगे की ओर कोई सटिंग होगा तो चार्ज होगा ही होगा। तो देखते हैं, अब ये 250 के रेंज में, और यहाँ पे हम लोग प्लस की ओर चेक करेंगे। तो देख सकते हैं मीटर में ये चार्ज हो रहा है ना दोस्तों, जबकि मैं वायर को निकाल दिया हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाला वायर है टीवी का, और निकाल दिया हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी चार्ज हो तो आप या तो इसको बल्ब से डिस्चार्ज कीजिए, या तो टेस्टर से कीजिए, इस तरह से, ये पेचकस टेस्टर जो भी, ये वाला जो है जिसमें कि करंट जाता है, तो इसको टच ना करें, इधर को इस तरह से टच करें और यहाँ पे इसको डिस्चार्ज कर लें। देखिएगा, देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से डिस्चार्ज कर लें। उसके बाद यहाँ का करंट डिस्चार्ज हो गया है, और अभी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि या तो डायोड ख़राब है, या तो फिर आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब है, इन दोनों में से कोई चीज़ ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं क्या निकलता है, तब तक वीडियो को स्टॉप करते हैं, और क्या फॉल्ट निकलता है उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो पावर सप्लाई इसका ओके है, आउटपुट में ही प्रॉब्लम है, आउटपुट का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो कोई भी चीज़ शॉर्टिंग हो सकता है। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं फॉल्ट को निकाल के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों, 110 का वोल्टेज जो था वो इसमें नहीं जा रहा था, जो कि ये डायोड ख़राब हो गया था, है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो मैं जो डायोड है वो ख़राब हो चुका था, जिसको मैं बता दूँ कि यहाँ से जो यहाँ लगा था, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो यहाँ लगा था, जो कि 110 का 110 वोल्ट का सप्लाई देता है, देख सकते हैं ट्रैक को, ये वाला ट्रैक दोस्तों यहाँ से यहाँ लगा है, और यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो गया है, यहाँ से होते हुए यहाँ, उसके बाद यहाँ गया है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद दोस्तों ये डायरेक्ट गया है ESD के जरिए यहाँ, और यहाँ पे लगा है आउटपुट ट्रांजिस्टर। एक बार सामने की उधर से पलट के आप लोगों को दिखा दें कि वोल्ट कहाँ पे लगा था। तो
आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो इतना धूल गंदा है कि इसमें तो यहाँ से लगा था दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ लगा था, है ना, देख सकते हैं यहाँ यहाँ। तो ये वाला दोस्तों डायोड जो है शॉर्ट हो गया है। मैं आप लोगों को एक बार मीटर में दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो कंटिन्यूटी रेंज में डालें दोस्तों, और यहाँ देखिए मीटर में भी देखिएगा दोस्तों, एक हाथ से कैमरा को पकड़ा हूँ, दूसरे हाथ से इसको चेक कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। चलिए ये जगह से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मीटर पर शॉर्टिंग बता रहा है, जो कि ये शॉर्ट हो चुका है दोस्तों, मैं इसको चेक कर लिया हूँ। चलिए एक बार आप लोगों को दिखाई देते हैं किस तरह से शॉर्ट है। इसके दोनों तरफ कंटिन्यूटी शॉर्टिंग बताता है, कंटिन्यूटी ये देखिए, इधर भी और इधर भी। तार को पलट के भी डालिएगा, इस तरह से चेक कीजिएगा तो भी मीटर में रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि ये शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि इधर दोस्तों ये रहा, एक ठो को दिखाते हैं तो एक ठो नहीं बनता है, एक ठो को दिखाते हैं तो एक ठो नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चलिए यहाँ पे बन जाएगा। दिखा देख सकते हैं मीटर की रीडिंग को, देखिए ये देखिए फुल कंटिन्यूटी होता है दोस्तों। और इसको लीड को हम पलट देते हैं इसमें, तो ये देखिए पलट दिया हूँ, और पलटने के बाद दोस्तों फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो एक ठो हाथ से दोस्तों बहुत ही दिक्कत जाता है, आप लोगों को दिखाना भी पड़ता है, है ना। तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग बता रहे हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोग इसका जो नंबर है दोस्तों उसको एक बार दिखा दूँ मैं आप लोगों को, तो 30 इसका जो नंबर है दोस्तों आर जी पी 30J RGP 30JA इसका नंबर है ना। तो इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों और क्या प्रॉब्लम आता है, है ना। ये यही ख़राब हो चुका है, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि चालू होता है कि नहीं होता है किट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इसमें मैं जीनर को जो डायोड लगा था उसको लगा दिया हूँ, जो कि इसका जो पुराना वाला था वो ये वाला था, और जो अभी डाल दिया हूँ वो ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला। और इसको हम लोग डालते हैं लाइट में और क्या होता है उसके बाद फिर देखते हैं। तो सब पहले तो सीरीज में ही डालेंगे, देख सकते हैं सीरीज में डाल दिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जो एलईडी जल रहा था वो जल ही रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जल रहा है। अब इसको स्टैंड बाई से हटाते हैं दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आया कि नहीं आया। तो एक ठोको डालते हैं ग्राउंड में दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि मैं 250 के रेंज में देख सकते हैं डाला हूँ मीटर को। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आ गया है, और ये वाला वोल्टेज यहाँ भी आ गया है। अब इसको स्टैंड बाई से हटाते हैं दोस्तों, हटता है कि नहीं देखते हैं। तो दोस्तों स्टैंड बाई से हट जा रहा है, देख सकते हैं
जैसे ही स्टैंड बाई स्विच को हटाने का प्रयास करता हूँ और यहाँ पे बल्ब जलने लगता है, देख सकते हैं, यानी कि ये चालू हो जाएगा दोस्तों। इसको फिर हम डायरेक्ट डालते हैं मेन लाइट में, जैसे मैं डाल दिया मेन लाइट में दोस्तों, और यहाँ पे इसे स्टैंड बाई से हटाते हैं, देखिए चालू हो गया। और इसको सामने की ओर से जाके देखते हैं दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चालू हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टीवी चालू हो गया है, और जो साइड साइड में अलग कलर जो आ रहा है दोस्तों, वो पीटीसी का कनेक्शन के पीटीसी का जो डिकोजिंग वाल्व का वायर है उसको हटा दिए हैं, इसलिए इस तरह से आ रहा है। तो मैं एक बार उसको कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। और ये जो अलग अलग कलर आ रहा है, हरा कलर आ रहा है साइड साइड में, वो हटता है कि नहीं, तो इसको निकालते हैं दोस्तों, फिर उसके कनेक्शन को जोड़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं, है ना। तो ये रहा अपना किट, जिसके वजह से दोस्तों जो हरा कलर आ रहा था वो वाला था, ये देख सकते हैं, ये डिकोजिंग कॉइल जो साइड साइड में लगा है मोटा वाला, इसका जो कनेक्शन आया है दोस्तों ये वो ये वाला है, और इसका यहाँ पे लगा था जो कि टूट गया है सॉकेट से दोस्तों, ठीक है। इसका कनेक्शन अपने को यहाँ करना है, ठीक है। और फिर हम लोग इसको डालते हैं लाइट में दोस्तों एक बार फिर से, और देखते हैं वो हरा कलर हटता है कि नहीं। यदि नहीं हटता है तो फिर नहीं हटेगा तो दोस्तों अपने को पीटीसी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको स्टैंड बाई से हटाते हैं, ठीक है, चालू हो गया दोस्तों। सामने की ओर से देखते हैं कि वो हटा कि नहीं हटा, तो आप देख पा रहे हैं वो नहीं हटा है, तो इसका जो पीटीसी वगैरह है दोस्तों उसको चेक करेंगे। तो फिलहाल टीवी चालू हो गया है, और पीटीसी को चेंज करने के बाद फिर देखते हैं कि इसका जो कलर साइड साइड में आया दोस्तों ये हट जाएगा, है ना। तो इसका पीटीसी दोस्तों इसका ख़राब हो चुका होगा, तो उसको भी अपने को चेंज करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग पीटीसी को चेंज करने का कोशिश करते हैं, चेंज करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पीटीसी लगा था, जो कलर से प्रॉब्लम आ रहा था, वो देख सकते हैं ये वाला पीटीसी लगा हुआ था इसमें, जिसको मैं चेंज कर दिया हूँ। और इसको इधर से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वाला पीटीसी है, जो कि मैं दूसरे किट से निकाल के डाला हूँ, ये वाला है, ये वाला पीटीसी है, है ना। और इसकी जगह में ये लगा था। और पीटीसी दोस्तों आपको दो तरह से आते हैं, ये दो पिन का आता है, दो पिन का भी रहता है, और तीन पिन का है, तीन पिन इसमें लगा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीटीसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो तीन पिन है दोस्तों, तीन पिन, आप इसके जगह में दो पिन का भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो मेन सप्लाई दोस्तों इसका जो आता है, आप देख सकते हैं ट्रैक को मिलाइए, इसका मेन सप्लाई वाला एक डायरेक्ट डिकोजिंग कॉइल में जाता है, और दूसरा आपका ए पी टी सी से होके यहाँ से जाता है, जबकि इसका एक पिन भी टच है इसमें, दो पिन का रहेगा। तो आप लोगों को कनेक्शन एक तो यहाँ करना है और एक तो यहाँ करना है दोस्तों, दोनों में, ठीक है, और एक तो डायरेक्ट लगा ही रहता है। तो अब इसको हम लोग दोस्तों सीधा करके डिकोजिंग कॉइल को जोड़ते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये काम किया कि नहीं किया। तो ये रहा इसका दोस्तों डिकोजिंग कॉइल का वायर, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसको डालते हैं लाइट में, और इसको दोस्तों यहाँ से स्टैंड बाई से हटाते हैं, और सामने की ओर से देखते हैं कि यहाँ पे जो कलर था वो हटा कि नहीं होता। तब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नीला कलर क्लियर आ गया है सभी तरफ एक ही कलर, और पिछले बार इसमें आ रहा था हरा कलर, इस साइड साइड में हरा कलर आ रहा था, तो इस टाइप से प्रॉब्लम आया। तो आप पीटीसी को ही डायरेक्ट चेंज करें दोस्तों, पीटीसी की वजह से इस टाइप से प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है दोस्तों, इसमें जो है देख सकते हैं जो कॉइल लगे हुए हैं दोस्तों यहाँ पे, ये डिकोजिंग कॉइल, इसमें मैग्नेट बनता है, यहाँ से जब करंट जाता है करंट 250, तो यहाँ पे मैग्नेट बनते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट खींचता है और कलर बना के रखता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।